नमस्कार दोस्तों, आज है 4 नवंबर 2024। दोस्तों, 4 नवंबर 2024 के दिन हरियाणा के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं वो सभी आज आपकी क्लास में करवाए जाएंगे। और जैसा कि आपने दे रखा है कि जो सीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है वो करंट अफेयर डेली आती है, आपको पता है आपके यूट्यूब चैनल पे। और सभी साथी एक बार चैनल को जल्दी से लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आज की जो क्लास होगी हमारी हरियाणा की करंट अफेयर 4 नवंबर की रहेगी। आपका यूट्यूब चैनल है दाजी के हैकर, एक बार सभी साथी सब्सक्राइब कर लेना। और इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए आपको वो आप दाजी के हैकर टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो मुझे। तो इसमें आता है हरियाणा के जेल मंत्री कौन है। तो दोस्तों, हरियाणा के वर्तमान में जेल मंत्री हैं कौन है, विपुल गोयल है, ये ध्यान कर लेना आपको अच्छे से। चलिए अगला जो क्वेश्चन बनता है आज का करंट अफेयर क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा 15वीं जो विधानसभा है 2024 के विधायकों की औसत जो आयु वर्ष कितनी रही है। दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन रहेगा, 56.6 वर्ष रही है। आइए हम बात करते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14वीं जो विधानसभा 2019 थी उसमें औसत जो आयु थी 54.8 वर्ष रही थी। अब की बार 15वीं विधानसभा में 56.6 वर्ष रही है औसत आयु, ये पॉइंट भी आपको ध्यान करना है। 15वीं विधानसभा में 2024 में जो चुनाव हुए हैं इसमें सबसे युवा विधायक है आदित्य सुरजेवाला है, कैथल सीट से कांग्रेस पार्टी के हैं, 25 वर्ष इनकी आयु है। 15वीं विधानसभा में सबसे बुजुर्ग जो विधायक है रघुवीर कादियान 80 वर्ष के हैं और कांग्रेस पार्टी है। रघुवीर कादियान को ही 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया, ध्यान रखना प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे अब की बार, तो यहाँ पे रखना रघुवीर कादियान बने हैं। 15वीं विधानसभा में सबसे धनी अमीर जो विधायक बने हैं साउत्री जिंदल है, ध्यान रखना हिसार से निर्दलीय विधायक है। हाँ, बीजेपी में शामिल हो गए, ध्यान रखना ये कौन से में है, निर्दलीय विधायक है। 15वीं विधानसभा में सबसे कम धनी मतलब थोड़ा कम रिच पर्सन है वो कौन है, कपूर सिंह है। ये भवानी खेड़ा जो यहाँ पे भवानी है ना, यहाँ पे भवानी खेड़ा जो सीट है भिवानी जिले की वहाँ से हैं। और यहाँ पे आपको करना है 15वीं विधानसभा में 13 महिलाएं चुनी गई हैं और 14वीं जो विधानसभा थी उसमें 9 महिलाएं चुनी गई थी। 15वीं विधानसभा में जो अध्यक्ष हैं हरविंदर सिंह कल्याण हैं गरुंडा सीट करनाल से, और उपाध्यक्ष जो बने हैं 15वीं विधानसभा को किशन मेड्डा है जींद सीट से हैं। तो आज के इस पहले वाले क्वेश्चन के इतने फैक्ट थे। सेकंड देखिए, हाल ही में पानीपत जिले के मुक्केबाज सुमित ने अंडर-19 विश्व कप में चैंपियन में कौन सा पदक जीता है। दोस्तों, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान करना है। आइए हम बात करते हैं, अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित अंडर-19 जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी, जो पानीपत का जो 18 वर्षीय सुमित ने जर्मनी और अमेरिका के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। यह प्रतियोगिता अमेरिका में 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक खेली जा रही है। सुमित की जो माता है रेखा रानी हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर हैं और उनके जो पिता हैं ये पानीपत में ही जो महिला पुलिस थाना वहाँ पर SHO बनी हुई है, जो रेखा रानी है। सुमित के जो पिता हैं मुकेश कुमार CRPF में इंस्पेक्टर हैं, फिलहाल उनकी ड्यूटी हैदराबाद एयरपोर्ट पे, आपको बता दूं। साथ में आपको ये नोट करना, सुमित ने मई 2024 में कजाकिस्तान में आयोजित एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सुमित ने अक्टूबर 2024 में साउथ गुजरात के अंदर होने वाली इंटर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीता था। जनवरी 2024 में चेन्नई में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया गेम्स 2023 वाले में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से नोट करना है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे सुमित के मदर फादर आपके सामने हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी मंजू सोरेन ने क्यूट प्रेजेंटेशन में मिस इंडिया का खिताब जीता है। दोस्तों, ये चरखी दादरी जिले से बिलोंग करती हैं। आइए हम बात करते हैं, मंजू सोरण है चरखी दादरी जिले की गांव की बेटी, बिरला गांव की बेटी है। मंजू सोरण ने मिस इंडिया का गोल्ड का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। मंजू गुरुग्राम में IT कंपनी जो इंफोसिस है वहां पे क्या कर काम करती है, ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, हाल ही में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के मामले में हरियाणा
राज्य देश में कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों इसमें ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में हरियाणा कौन से राज्य 8वें स्थान पर रहा है, जहाँ पे हम बात करते हैं डी ऑप्शन है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, दूसरे स्थान पर गुजरात रहा है, जबकि हरियाणा का स्थान तीसरा रहा है और पंजाब इसी रैंक में 9वें स्थान पर रहा है। इसमें किसानों की समस्याओं का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। सितंबर 2024 के महीने में CSE सेंटर के अंदर 8,017 शिकायतें दर्ज हुई है। हरियाणा में 11,500 शिकायतें अभी लंबित पड़ी हुई हैं, ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान करना है। हरियाणा कौन से रैंक पे 8वें स्थान पे है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। हाल ही में दीपावली के अवसर पर देश में सबसे प्रदूषित हवा के मामले में हरियाणा कौन सा शहर शामिल है? दोस्तों इसमें जो जींद शहर है ये सबसे पहले पे शामिल है, बी ऑप्शन। वायु गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में अधिक प्रदूषण शामिल देखा गया है। देश में सर्वाधिक प्रदूषण में शहर पंजाब का अमृतसर, दूसरा लुधियाना रहा है और हरियाणा का जींद शहर भी रहा है, ये ध्यान रख, तीसरे नंबर पे जींद शहर रहा है। 8वें पे हरियाणा का जो करनाल सिटी है वो रही है। इसी प्रकार से हरियाणा के 14 शहर शामिल, तो आपको ध्यान रखना हरियाणा का जींद शहर और करनाल शहर है सबसे टॉप में आते हैं, पहले पे अमृतसर और लुधियाना है, ठीक है, दूसरे पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में तृतीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया पंचकुला में किया गया है। इसके अगर हम बात करते हैं पंचकुला में जो तृतीय पुस्तक मेले का आयोजन, इसमें मुख्य अतिथि नायब सिंह सैनी रहे हैं और आपको पता है हरियाणा के जो 11वें मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, नायब सिंह सैनी जी बने हैं। इस मेले का आयोजन 4 नवंबर से 10 नवंबर तक इंद्रधनुष ऑडिटोरियम सेक्टर 5 में पंचकुला में आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में ऊर्जा संस्कृति समिति के पहल के ऊर्जा विभाग, हरियाणा पर्यावरण विभाग, पुलिस विभाग, संस्कृति विभाग, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, परिवहन विभाग आदि के द्वारा हिंदी अंग्रेजी भाषा में की अधिक 100 से अधिक जो प्रकाशकों की किताबों को दुनिया भर के अंदर पंचकुला जिले के अंदर नागरिक समाज में प्रदर्शित की जा रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पे, पंचकुला जिले में किया जा रहा है, तृतीयगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नगीना तेजारा सड़क परियोजना का कार्य रुक गया, ये है किन किन राज्यों को आपस में जोड़ दिया? दोस्तों ये राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ने का काम करती है। इसमें बताया गया है राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली नगीना तेजारा जो परियोजना है, यह परियोजना हरियाणा के 4 किलोमीटर, राजस्थान के 10 किलोमीटर को काटकर बनाई गई। इसकी लगभग लागत लगी 4 करोड़ रुपए। तेजारा में जैन धर्म के का सबसे बड़ा जो मंदिर होने के कारण यहाँ पे तेजारा में स्थित है, जिसके कारण भगवान श्री दिगंबर जैन की भक्ति के इस यहाँ पे लोगों को तोड़ने की ना न तोड़ने की मांग कर रहे हैं, ध्यान रखना नहीं तोड़ने की मांग कर रहे हैं, तो ये वाला फैक्ट है। तो किन किन राज्यों की देन है, तेजारा राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये वाला पॉइंट याद करना है आपको। ये क्वेश्चन आपको बताना है, 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनकी क्या विशेषता है? माइक्रो प्रोसेसर, बहुत कम कीमत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कोई नहीं? और आज की जो क्लास डेली जो आपकी लाइव क्लास होती है वो होती है 8 बजे शाम को होती है, और सभी साथी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, यूट्यूब चैनल है आपका दाजी कहकर। अगर सभी आपको PDF चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, द जी के हैकर है, इंस्टाग्राम भी आपका @ द जी के हैकर है, द जी के हैकर आपका फेसबुक है, लोगो ये वाला रहेगा सभी के ऊपर तो आप पहचान भी सकते हो। आज की क्लास के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।